वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इंक्वायरी लेटर को विस्तृत रूप से एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। यह एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके जरिए आप इंक्वायरी लेटर के किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले इंक्वायरी लेटर जो है क्यों लिखा जाता है, यदि हम बात करें तो इंक्वायरी का मतलब आप जानते होंगे कि इंक्वायरी का मतलब पूछताछ करना होता है, इंक्वायरी का मतलब किसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करना। तो जो हमारे एग्ज़ाम में इंक्वायरी लेटर के क्वेश्चन आते हैं उसमें किसी भी कोर्स से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी लेटर के क्वेश्चन हमें लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यू आर समीर आर समीरा, आप समीर या समीरा हो, ये राइटर का नाम है, इसको यूज करना है आपको क्वेश्चन जब लेटर लिखेंगे तो, इसलिए इसको अंडरलाइन करके आप हाईलाइट करें क्वेश्चन पढ़ते समय। दूसरी चीज, ऑफ सी 455 सनशाइन रोड जखनियन, ये हो गया आपका राइटर का एड्रेस हो गया, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसको भी अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट चीज़ है, यू आर इंटरेस्टेड, आप रुचि रखते हो इन डूइंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स, एक शॉर्ट टर्म कोर्स को करने का, ओके, इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने की आप रुचि रखते हो, तो कोर्स के अंदर नाम को भी, जो नेम है उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि आपको उसको भी यूज करना है। ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी के छुट्टी के दौरान, राइट लेटर टू द मैनेजर, आपको मैनेजर को पत्र लिखना है, ओके। ऑक्सफोर्ड स्पोकन क्लासेस, ऑक्सफोर्ड स्पोकन क्लासेस के मैनेजर को आपको एक पत्र लिखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एड्रेस इसका भी लिख लो, सिगदा चौक वाराणसी, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। आपको क्यों लिखनी है, इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है, अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ ऑफ सच अ कोर्स, ऐसे एक कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में, यानी कि समय अवधि के बारे में आपको पूछताछ करते हुए पत्र लिखनी है कि कितने महीने का कोर्स है, 3 मंथ का है या 6 मंथ का है। एंड टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पूछनी है, शर्तों को पूछना है फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए, ओके। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको एग्जाम में आंसर लिखने होते हैं, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है इंक्वायरी लेटर, तो आपको भी जब आप एग्ज़ाम के दौरान अपने आंसर शीट में लिखिएगा तो यहाँ पे आंसर नंबर डाल दीजिएगा और फिर उसके ठीक सामने आप इंक्वायरी लेटर लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको सबसे पहले राइटर का एड्रेस लिखना होता है, ओके। तो जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि राइटर का एड्रेस है C455 सनशाइन रोड जखनियन, तो हमने भी लिख लिया C455 सनशाइन रोड जखनियन, ओके। जो फॉर्मेट हमने यूज किया है यहाँ पे एड्रेस का, आप उसी फॉर्मेट का यूज करिएगा क्योंकि यही फॉर्मेट सही होता है। जैसे दो वर्ड ऊपर लिख लिया, दो वर्ड नीचे लिख लिया, अगर एक आध वर्ड और हो जाता है तो आप उसको नीचे मेंशन कर लो और फिर अलाइन स्पेस कर लेते हैं और फिर उसके नीचे क्या करते हैं, डेट लिखते हैं। डेट कैसे लिखते हैं वो फॉर्मेट आप देख सकते हो, जैसे 3rd May 2020 हो गया, ठीक है, 2020 ए फॉर्मेट यूज हो गया। अगर ये फॉर्मेट नहीं आता है तो दूसरा फॉर्मेट होता है May 3, 2020, आप ये दोनों फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। फिर अलाइन स्पेस कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है आपको, आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है। तो जो रिसीवर का एड्रेस है वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है, आप देख सकते हो द मैनेजर ऑक्सफोर्ड स्पोकन क्लासेस सिगरा चौक वाराणसी, तो यहाँ पे लिख लिया हमने द मैनेजर ऑक्सफोर्ड स्पोकन क्लासेस सिगरा चौक वाराणसी। उसके बाद अलाइन स्पेस कर लेना है, अलाइन स्पेस करने के बाद आता है सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है कैसे लिखेंगे, इंक्वायरी लेटर लिखना है आपको तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के डैश लगा लेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे इंक्वायरिंग अबाउट, इंक्वायरिंग अबाउट लिख लें और फिर कोर्स का नाम लिख देंगे जो क्वेश्चन में है, आप वो भी देख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, तो आपने बना के लिख लिया उसको स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ठीक है। उसके नीचे फिर क्या करना है आपको, अलाइन स्पेस करना है, फिर सैल्यूटेशन लिख देना है सर, और फिर आप लेटर लिखना कैसे शुरू करेंगे, ठीक इसी तरह से
आई हैव सीन, मैंने देखा है द एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, या विज्ञापन को देखा है इन द अमर उजाला, अमर उजाला के समाचार पत्र में हमने आपका विज्ञापन देखा है, प्रचार देखा है, डेटेड 26 अप्रैल 2020, कब देखा है, 26 अप्रैल 2020 को देखा है। रिगार्डिंग यानी संबंध में, किस चीज़ से संबंधित, किस कोर्स के संबंधित, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के संबंधित। एज फॉर एज, जहाँ तक बात करें या जहाँ तक ताल्लुक है, माई क्वालिफिकेशन, मेरी योग्यता का, जहाँ तक मेरी योग्यता का सवाल है, कंसर्न है, आई हैव पास्ड, मैं पास कर चुका हूँ माई 10+2, अपने 10+2 की डिग्री, एकेडमिक डिग्री को विथ 95%, 95% के साथ। एंड नाउ, और अब, आई एम विलिंग, अब मैं इच्छुक हूँ या इच्छा कर रहा हूँ टू डू अ गुड कैरियर कोर्स, एक अपने कैरियर के लिए अच्छा सा कोर्स करने के लिए, जहाँ पे मेरी कैरियर क्या हो सके, सक्सेस हो सके, ब्राइट हो सके। रियली, वास्तव में या सचमुच, आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, उत्तेजित हूँ टू कम्प्लीट सच अ कोर्स, ऐसे एक ऐसे कोर्स को पूरा करने के लिए। बट लेकिन बिफोर दैट, लेकिन इससे पहले, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूँगा या जानना चाहूँगी द फॉलोइंग डिटेल्स, निम्नलिखित डिटेल्स को जानना चाहूँगी, रिगार्डिंग मीन्स संबंध में, टू दिस कोर्स, इस कोर्स के। तो यहाँ पे फिर ये आपका पहला पैरा पूरा हो जाता है, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, अलाइन स्पेस कर देंगे, और फिर उसके बाद दूसरा पैरे में आपको क्या करना होता है, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन उस कोर्स से रिलेटेड लेनी होती है उसे आपको लिखना पड़ता है। कैसे, जैसे आप इसमें 4 to 5 या 5 to 6 मैक्सिमम, 6 से ज़्यादा आपको उस कोर्स के बारे में जो सूचना लेनी है, 6 से ज़्यादा नहीं लिखना होता है, इसलिए 5 to 6 आप लिख सकते हो। जैसे आपने पूछ लिया द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, उस कोर्स के ड्यूरेशन को, समय अवधि को, कि आप जो कोर्स है इंग्लिश स्पोकन का या स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है वो 3 महीने का है या 6 मंथ का है, वो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट आपने पूछ लिया द फीस, यानी फीस कितना लगेगा भाई फॉर द टोटल कोर्स, उस 3 महीने या 6 महीने का जो कोर्स है उसके लिए टोटल फीस कितना देना पड़ेगा। तीसरा हो गया वेदर, कि क्या मॉर्निंग यानी सुबह का और अथवा इवनिंग या शाम का बैच मिलेगा, अर्थात हमें जब हम एडमिशन लेंगे इस कोर्स के लिए तो आपके संस्था में हमें सुबह का या शाम का यानी कोर्स मॉर्निंग या इवनिंग बैच मिल सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है एलिजिबिलिटी, यानी योग्यता क्या होना चाहिए फॉर द कोर्स, इस कोर्स को करने के लिए। नेक्स्ट इज ए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट यानी कोई जॉब मिलेगा, जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी या अवसर इन फ्यूचर में, भविष्य में, क्या इस कोर्स को करने से भविष्य में कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिससे हमें कोई जॉब मिल सके। नेक्स्ट है वेदर, की क्या अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट इज इशूड, जारी की जाती है, इशूड मीन्स जारी की जाती है, क्या कोई सर्टिफिकेट इस कोर्स का दिया जाता है स्टूडेंट को। नेक्स्ट इज है नेक्स्ट एंड लास्ट पैरा में आपको क्या लिखना है, ये ध्यान दीजिए। लास्ट पैरा है आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर रिसीविंग यानी कि प्राप्त करने के बाद एबव इन्फॉर्मेशन, ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन को, ये जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद, रिसीव करने के बाद, आई शैल पर्सनली, मैं खुद पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत तौर पर कम टू ज्वाइन द कोर्स, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आऊँगी या आऊँगा। अ सेल्फ एड्रेस्ड, एक खुद का एड्रेस्ड यानी पता लिखा हुआ, एंड डूली यानी कि अच्छी तरह से स्टैम्प किया हुआ इनवेलप अंतर्देशी को, इज इनक्लोज्ड मीन्स अंदर ना दिया गया है फॉर द रिप्लाई, उत्तर देने के लिए। अब उसके नीचे जब आपका पूरा हो जाता है, अलाइन स्पेस कर देना है, उसके नीचे आपको सब्सक्रिप्शन में योर्स फैथफुली लिख लेना है, और नीचे समीरा या समीर, इन दोनों में से जो क्वेश्चन में दो नाम दिए गए हैं, जो क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन में दो नाम समीरा या समीर दिया गया है, इनमें से दोनों में से कोई एक नाम आपको लिख लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको बताते हैं कि यदि
इंक्वायरी लेटर का कोई दूसरा क्वेश्चन आपको आ गया, ओके, कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, जैसे यहाँ पे पूछा था क्या द कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, अगर यहाँ पे कोई दूसरा कोर्स के लिए कहता है कि कोई अन्य कोर्स है जिसके लिए आपको लेटर लिखनी, आई मीन व्हाट, मेरे कहने का तात्पर्य है कि इंक्वायरी लेटर पे तो बस एक ही क्वेश्चन भाई बनता नहीं है ना, ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के लिए इसने क्वेश्चन लिखने को बोला था इंक्वायरी लेने के लिए, अगर इसने सपोज कोई और कर दिया, जैसे यहाँ पे बोल दिया, ठीक है, कि आपको इंक्वायरी लेटर लिखनी है MBA कोर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, TTPGT कोर्स के इंफॉर्मेशन के लिए, या कंप्यूटर कोर्स के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेते हुए आपको इंक्वायरी लेटर लिखनी है, तो क्या हो जाएगा अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो आप हमारे इस एग्जाम्पल के जरिए किस तरह से आप आंसर को करेक्टली लिख सकते हो वो मैं आइडिया आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, वो आपका एड्रेस हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आपका एड्रेस हो जाएगा, एड्रेस आप लिख लेंगे आई नो सिंपली, उसके बाद डेट चेंज हो जाएगा, जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट ना आएंगे। नेक्स्ट चीज़ होगी रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस भी बदल जाएगा, जिसे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेना है, जो आप क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस है वो बदल जाएगा, तो आप इस तरह से फॉर्मेट में लिख लेंगे, फॉर्मेट फॉलो करेंगे, बाकी क्वेश्चन में सब आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट है डेट, आप जिस डेट को लिखेंगे उस दिन का डेट ना आएंगे। मैनेजर, ओके, द मैनेजर ऑक्सफोर्ड स्पोकन क्लासेस सिगरा चौक वाराणसी एड्रेस है, तो कोई दूसरा हो गया, ओके, रिसीवर का एड्रेस तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में आपको ठीक ऐसे लिखना है इंक्वायरिंग अबाउट, ओके। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर कोर्स अगर आ गया तो यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स लिख लेंगे, अगर यहाँ पे आ गया इंक्वायरिंग अबाउट, सपोज कर लो यहाँ पे TGT PGT आ गया, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं इंक्वायरिंग अबाउट TGT PGT कोर्सेस हो गया, ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको पूरा कर लेंगे, यहाँ पे सर लिख लेंगे, ओके, और जो मैंने लिखा है जिस तरह से ठीक ऐसे ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, क्या चीज़ें बदलती हैं वो मैं आपको बता दूं, ऐसे ही लिख ले सकते हैं आप अपने आंसर को, आपको 100% मार्क मिलेंगे एग्जाम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने लिखा है आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन द अमर उजाला, तो अमर उजाला एक न्यूज़पेपर का नाम है, किसी दूसरे न्यूज़पेपर का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डेटेड 26 अप्रैल 2020 है, तो आप यहाँ पे डेट जो है वो बदल सकते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा कि जो डेट आप यहाँ पे मेंशन करिएगा ऊपर, इसके पहले का डेट, एक सप्ताह, 4 दिन या 15 दिन या 1 महीने पहले का डेट यहाँ पे होना चाहिए, ओके। अब उसके आगे है आप यही लिख लीजिए रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग के बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, तो वहाँ पे आपने क्या कर दिया, क्वेश्चन में दिए गए कोर्स का नाम लिख दिया यहाँ पे आपने, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स है तो कंप्यूटर कोर्स हो गया, MBA है तो MBA हो गया, TGT PGT हो तो उसे मेंशन कर दें। नेक्स्ट चीज ऐसे ही होगा एज फॉर एज यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट है माय क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, सेम लिखते जाइए आप अपने आंसर शीट में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आई हैव पास्ड माय 10+2 विथ 95%, तो यहाँ पे आपकी इच्छा, आप अपने डिग्री को दिखा सकते हो, कोई दूसरा परसेंटेज आप दूसरा दिखा सकते हो, यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि आई हैव पास्ड माय, ओके, 10th स्टैंडर्ड, ओके, 12th स्टैंडर्ड, या BA MA दिखा सकते हैं, या कह सकते हैं आई हैव, ओके, कंप्लीटेड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विथ परसेंटेज चेंज करके बता सकते हैं। एंड नाउ आई एम विलिंग टू डू अ गुड कैरियर कोर्स, रियली आई एम वेरी एक्साइटेड टू कंप्लीट सच अ कोर्स, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टू दिस कोर्स, तो अभी बिल्कुल सेम लिख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट है, ओके। दूसरा पैराग्राफ जो देख रहे हैं आप लोग, दूसरा जो पैरा है, इस दूसरे पैरा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, यदि कोर्स से संबंधित है तब तो कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल सेम आप लिख सकते हैं, हाँ किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो भाई इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा जो आपको करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, अदरवाइज कोर्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो आप सेम लिख लो, बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट है, तो लास्ट पैरा में आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, आफ्टर रिसीविंग अबव इंफॉर्मेशन, ओके, आई शैल पर्सनली कम टू ज्वाइन द कोर्स, अ सेल्फ एड्रेस एंड डूली स्टैम्प्ड इनवेलप इज इंक्लोज्ड फॉर द रिप्लाई, एकदम बिल्कुल आप यही चीज़ लिख सकते हो, आपको एग्जाम में 100% मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल एक
नंबर भी आधे नंबर भी आपके नहीं कट सकते। नेक्स्ट चीज़ है आपका सब्सक्रिप्शन, तो बिल्कुल सेम रहेगा, योर्स फैथफुली रहेगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि राइटर का नाम क्या दिया है। अगर समीरा है तो हमने समीरा लिखा है, अगर यहाँ पे अंकित आ गया तो अंकित हो जाएगा, अंकिता आ गया तो अंकित हो अंकिता हो जाएगा। कोई नाम नहीं है तो हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आज की वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।